अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। तो चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन गा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 बुक आपके पास करें या 25 का क्वेश्चन नंबर। फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। वेट दिया हुआ है, ये वेट है, साथ नंबर ऑफ पर्सन, जो नंबर होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ पर्सन है इसमें, ये फ्रीक्वेंसी। जहाँ पर नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका हम लिख लेते हैं, डाटा का हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर से नीचे, ये डाटा का हमें इस फॉर्म में लिखना है। मीडियम फाइंड करना फ्रॉम द दिस डाटा। तो वेट्स हैं 40 to 49, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 है। 50 to 59, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। ये सारे वेट्स दिए हुए हैं, यहाँ से हमें मीडियम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, CF। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, CF। तो CF क्या चीज़ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF क्या चीज़ है, क्यूमुलेटिव, CUMULATIV, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, क्यूमुलेट का होता है ऐड करना, क्यूमुलेटिव मीन्स ऐड करना। तो फ्रीक्वेंसीज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो पहली फ्रीक्वेंसी का हमें वैसे ही लिख लेना है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, जो भी नंबर होगा उसको हमने एज इट इज लिख लेना है। 5 है, उसका हमने 5 लिख लिया। अब इसमें हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसको ऐड कर देना है। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 लिखेंगे, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है, इसमें ऐड कर दिया, 5 + 8 इज इक्वल टू 13। फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, 13 + 17। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी हम क्यूमुलेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इज इक्वल टू 30। फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, 30 + 15 इज इक्वल टू 45। जिसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, 45 + 3 इज इक्वल टू 48। नेक्स्ट ऐड करेंगे, 48 + 2 इज इक्वल टू 50। इनका जब टोटल करें, इन सबका टोटल करें, ये एफ है, तो जब एफ का टोटल क्या होता है, सिग्मा एफ। एफ का टोटल क्या होता है, सिग्मा, टोटल फ्रीक्वेंसी। सिग्मा एफ मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सिग्मा एफ मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। देखिए ये वाला नंबर 50 है, ये भी 50, ये दोनों बराबर लगे। जब आप CF फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, तो जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, हमेशा इक्वल आएगी। ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो ये आप ये टोटल चेक करिए, इसमें चेक करें कहीं ना कहीं कोई गलती होगी। तो मीडियम फाइंड करने पहले हमने क्या फाइंड किया, CF फाइंड कर लिया। क्या फाइंड करेंगे, क्लास बाउंड्री, CBs। क्या फाइंड करेंगे, CBs, क्लास बाउंड्रीज। सी मीन्स क्या होता है, क्लास बाउंड्री। देखिए ये 49 या 50 है, ये 49 है, ये 50 है, दोनों सेम नहीं है। जब दोनों सेम ना होगी, फिर हमने क्या क्या फाइंड करना है, फिर हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। क्या देखा, क्लास बाउंड्री फाइंड करने का, इनमें देखें कितना फर्क है, ये 49 है, ये 50 है, दोनों में कितना फर्क है, 1 का डिफरेंस है। 49 + 1 = 50 है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। जितने भी डिफरेंस है, हम 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे। 1/2 कितना होता है, 0.5। ठीक है, क्या करना है, देखें इसमें और इसमें कितना फर्क है, 49 + 1 = 50, 1 का फर्क है। तो जितने भी डिफरेंस का हमने 2 के साथ डिवाइड कर लिया, 1/2 कितना होता है, 0.5। अब ये जो नंबर है, लेफ्ट के ऊपर जो नंबर है, इनमें से हमने 0.5 का माइनस क्या करना है, इनमें से हमने 0.5 का माइनस करना है, और इनमें 0.5 को प्लस करेंगे। जो 0.5 है, इनमें से माइनस करेंगे और इनमें प्लस करेंगे। तो 40 में से 0.5 माइनस करें, 40 में से 0.5 माइनस करें, तो कितना आ जाएगा, 39.5। 40 में से हमने 0.5 माइनस किया, कितना आ गया, 39.5। 49 में 0.5 प्लस करें, इसमें से माइनस करना है, इसमें प्लस करना है, तो 49 + 0.5 करेंगे तो कितना आएगा, 49.5। फिर इसमें से 50 में से 0.5 माइनस करें, 49.5। इस पर 0.5 प्लस करें तो 59.5। अब देखिए ये दोनों बराबर होंगे ना, ये दोनों बराबर होंगे। इसमें से 0.5 माइनस करें, 59.5। अब इसमें 0.5 प्लस करें, 69.5। इधर से 0.5 माइनस किया, 69.5, और इसमें प्लस किया, 79.5।
इसमें से माइनस किया 0.5, 79.5, और इसमें प्लस किया 89.5। इसमें से 0.5 माइनस किया तो 89.5, और इसमें प्लस किया तो 99.5। तो हमने फाइंड करी क्लास बाउंड्रीज, इन्हें कहते हैं क्लास बाउंड्री। ये देखिए इसमें बराबर हो गया है, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए हैं। जब क्लास बाउंड्री फाइंड करें फिर वाले आपस में बराबर हो जाते हैं। ये भी 49.5 है, 49.5, 59.5, 59.5। अच्छा ही, उसके बाद हम क्या करना है, उसके बाद हम फाइंड करना है n/2। उसके बाद क्या फाइंड करना है n/2। ये पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दो दिए हुए थे, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, ये क्लास बाउंड्री फाइंड किया। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, n/2 फाइंड करेंगे। उसके बाद n/2, n क्या होता है, सिग्मा एफ। n किसके गला होता है, सिग्मा एफ, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, सिग्मा एफ। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 50 है। सिग्मा की वैल्यू 50 है, 50/2, 50 को 2 के साथ डिवाइड करें 25 आ जाएगा। 52 से डिवाइड किया 20। अब 25 का हम देखें CF है, 25 है, सिग्मा एफ और 2 की वैल्यू। इसका हमने कहाँ पर देखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 25 कहाँ पर आ रहा है। इसका हमने देखना है 25 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, ये CF है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 30 है, तो 25 इसमें शामिल होगा। 25 है, 30 से बड़ा है ना, 30 से छोटा है, 25 है ये वैल्यू, 25 वो इसमें शामिल होगी, इसमें ये जो 30 है इसमें शामिल होगी। इसके साथ हम क्या करें, यूँ का कि इसको बॉर्डर बना लेंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं मीडियन क्लास, इसे हम क्या कहते हैं, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या करना है, हमें n/2 यानी सिग्मा एफ 2 के लिए फाइंड करनी है। 25 आगे जो भी वाली आगे उसका हमने क्या में देखना है, CF पे फाइंड करना है। CF में देखना है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 13 है, तो ये 30 है, जो 25 इसी में शामिल होगा, 25 इसी में शामिल होगा। तो ये क्लास है, इसे हम कहते हैं मीडियन क्लास। देयरफॉर हम क्या लिखे, देयरफॉर एल इज इक्वल क्या होता है, एल कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री। एल क्या चीज़ है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है, ये वाली 59.5, ये एल की वैल्यू है। इसके सामने देखेंगे ये क्लास बाउंड्रीज है, ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये वाली अपर क्लास बाउंड्री है। जो लेफ्ट पर होता है वो क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री, और राइट पर होता है क्या होता है, अपर क्लास बाउंड्री। तो हमें क्या लिखना, एल, एल किसको रिप्रेजेंट करता है, लोअर क्लास बाउंड्री, तो 59.5 है, ठीक है। एच, एच क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। एच क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब देखिए इसमें कितना फर्क है, 40, 50, 60, 40 से 50 में कितना फर्क है, 10 का, 50 और 60 में कितना फर्क है, 10 का, 60 और 70 में कितना फर्क है, 10 का। सभी में 10-10 का फर्क है, इधर भी 10 का फर्क है, इधर भी 10 का फर्क है, तो सामने 10 का लिखना आता है। एच निकल क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना, 10 है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना, 10 है। उसके बाद लिखना है एफ, उसके बाद क्या लिखना है, एल एच, उसके बाद क्या लिखना है, एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एफ क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी नहीं वाली दिखें, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 70 है। इसकी, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 70। एफ रिकॉर्ड क्या लिख सकेंगे, 70, ठीक है। एफ रिकॉर्ड क्या लिख दिया, 70। तो मैं सी लिखेंगे, उसमें क्या लिखना है, सी, सॉरी, तो एफ रिकॉर्ड 70 लिख दिया, ये वाला एफ रिकॉर्ड 70 लिख दिया। उसके बाद सी लिखना है, सी क्या चीज़ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी क्या चीज़ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये देखिए 70 लिखा ना हमने, इससे ऊपर जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे, ऊपर वाली जो क्लास है जो सी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमने इससे ऊपर वाला जो नंबर लिखा उसको हमने लिखना है 13, 13 नहीं लिखना हमें, जो फ्रीक्वेंसी है ना ये हमारी लिखनी है 17, जो भी नंबर होगा। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने वो जो ऊपर वाले नंबर है वो लिखें, इसको नहीं लिखेंगे, इससे ऊपर जो नंबर है उसको लिखें, 13 को लिखें, 13, सी इज इक्वल टू 13। तो हमने चार चीज़ें लिखी हैं, एल लोअर क्लास बाउंड्री या मीडियन क्लास, एच साइज ऑफ क्लास इंटरवल, एफ फ्रीक्वेंसी या मीडियन क्लास, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ऊपर वाली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फार्मूला लिखे मीडियन का ग्रुप डाटा के लिए, मीडियन का फार्मूला क्या होता है,
major देखा एल प्लस एच ओवर एफ एन नंबर टू माइनस ए। देखिए सब चीज़ें आ रही हैं इसमें, एल आर एफ आर मिले, एल की वैल्यू हमने लिख ली है, एच आर है एच की वैल्यू, एफ आर है एफ की वैल्यू, एन नंबर टू एन नंबर टू की वैल्यू हमने फाइंड की नहीं है, सी का नहीं है, सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, इज इक्वल एल की वैल्यू कितनी है 59.5, 59.5 एच, एच की वैल्यू कितनी है 10 है, एफ की वैल्यू 17 है, फिर एन नंबर टू, एन नंबर टू की वैल्यू 25 है, माइनस सी की वैल्यू 13 है। वैल्यू स्पर्ट किया इसमें हमने, इसको कैलकुलेट कर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 59.5 10 नंबर 17, तो इसमें 25 में 13 माइनस करें 12 आ जाएगा, तो 59.5, फिर 10 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 17 के साथ डिवाइड कर दें, 10 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 17, ये आ जाएगा 7.06, इन दोनों को प्लस कर दें 66.56, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका क्वेश्चन वो क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 26 चाहिए, देखें क्वेश्चन नंबर 26 है, कंप्यूट मीडियम, इसमें मीडियम फाइंड करना, कंप्यूट मीडियम फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ग्रुप है साल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से हमने मीडियम फाइंड करना है, 26 कर दिया, एक ग्रुप से साल फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 4, 6, 6, 8, तो मीडियम फाइंड करना है, पहले टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ये एफ है, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी सिग्मा एफ, इस सबको प्लस कर दें, इस सबको प्लस कर दें, सिग्मा एफ टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, इस सबका जो टोटल है वो 22 आ जाएगा, सबको प्लस करें तो टोटल 22 आ जाएगा। फिर क्या फाइंड करना है सी एफ, फिर क्या फाइंड करना है सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब यह मीडियम फाइंड करना है मीडियम के लिए हमने नेक्स्ट कॉलम काम क्या करना है सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड, कैसे फाइंड करनी है, तो पहली फ्रीक्वेंसी उसका हमने वैसे ही लिख लेना है, तो पहली फ्रीक्वेंसी आपने जो भी नंबर उसका हमने वैसे लिखना है, अब इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देनी है 3+5 इज इक्वल, अब इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 8+6 इज इक्वल 14, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 14+4 इज इक्वल 18+3 21+1 इज इक्वल 20, ये भी 22 है ये भी 20, ये दोनों सेम आ जाएंगे, ये भी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है, ये भी 22 है, ठीक है, दोनों सेम आने चाहिए। सी एफ उसके बाद क्या फाइंड करना है हमें, सी मीन्स क्लास बाउंड्री, अब देखें यहाँ पर क्लास बाउंड्री फाइंड करना है, तो ये देखिए पहले दोनों बराबर हैं, ये भी 4 है ये भी 4 है 2, 4, 4, 6, क्लास बाउंड्री तब आप फाइंड करते हैं जब दोनों इक्वल ना हो, ये जब डिफरेंट हो, ये कोई और नंबर हो ये कोई और नंबर हो, तब आप क्लास बाउंड्री फाइंड करते हैं, तो ये तो पहले से बराबर है इक्वल है 4, 4 है 6, 6 है 8, 8 है 10, 10 है 12, 12 है, तो ये यही क्लास बाउंड्रीज है, फिर जब ये दोनों इक्वल होते हैं फिर ये वाली क्लास बाउंड्री, तो दीज आर द क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, जब ये दोनों सेम तो वही क्लास बाउंड्रीज होती हैं, ठीक हो गया जी। अब हमें क्या करना है एन नंबर टू फाइंड करना है, अब क्या फाइंड करना है एन नंबर टू, एन के को क्या कहते हैं सिग्मा एफ, एन मीन सिग्मा एफ ओवर टू, सिग्मा एफ वाली कहती है 22, 22 ओवर टू कितना हो गया 11, अब 11 का हमने क्या देखना है सी एफ है, 11 का हमने कहाँ पर देखना है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें देखना है, ये जो 11 है कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, जो सिग्मा एफ ओवर टू की वाली है उसको हमने कहाँ पर देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 11 को देख लिया, ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 14 है, इसका जो 11 है इसमें शामिल होगा, ये नंबर 11 आया तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 14 है, तो 11 इसमें शामिल होगा, 11 इस 14 में शामिल होगा, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे बॉर्डर लगा लें, बॉक्स बना लें, तो ये आपकी मीडियम क्लास होगी, ये आपकी मीडियम क्लास होगी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है एल, क्या लिखना है एल लोअर क्लास बॉडी, एल क्या चीज़ है लोअर क्लास बॉडी और मीडियम क्लास, तो ये समझिए मीडियम क्लास की लोअर क्लास बॉडी कौन सी है ये वाली 6, फिर एच लिख रहा है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, और यहाँ से देखें 2 और 4 में कितना फ़र्क है 2 का, 4 और 6 में कितना फ़र्क है 2 का, 6 और 8 में सब में 2 का फ़र्क है,
दो चार छः आठ दस बारह, इनमें दो दो का फर्क है, इधर भी चार छः आठ दस बारह इनमें भी दो दो का फर्क है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच इज इक्वल साइज ऑफ कांस्टेंट डबल और कितना हो गया, टू हो गया। ठीक है, ये साइज ऑफ कांस्टेंट डबल हो गया। फिर एफ, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी या मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी या मीडियन का, यह मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी सिक्स है, ये फ्रीक्वेंसी ये देखिए एफ, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है सिक्स है, एफ इज इक्वल क्या लिखना है सिक्स। सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऊपर वाली, जो सी है वो क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यह सी एफ है, लेकिन सी एफ जो हमने ऊपर लेनी ये वाली जो नंबर है इसके ऊपर है उसको लेना एट, ये नहीं लेना फोर्टीन नहीं लेना, बल्कि इसके ऊपर जो नंबर है उसको लिखना एट है। सी एफ इज इक्वल क्या कितना हो गया एट। अब मीडियन का फार्मूला लिख लेते हैं, तो मीडियन इज इक्वल मीडियन का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी। एल की वैल्यू सिक्स है, सिक्स प्लस एच की वैल्यू टू है, एफ की वैल्यू सिक्स है, एन ओवर टू की वैल्यू अलेवन है, माइनस एट, सी की वैल्यू एट है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिक्स प्लस टू ओवर सिक्स अलेवन में से एट माइनस करें थ्री हो जाएगा, थ्री टू जो सिक्स टू टू जो वन टू वन जो टू सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन। ठीक है, सेवन आपका आंसर लगा। ठीक है, अलेवन में से एट मानेगा थ्री, थ्री टू जो सिक्स टू टू से काट गया टू वन जो टू सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 26 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, तो 27 देखेंगे, 27 हमें कैसे करना है। ये क्वेश्चन 27 है, बुक से देख लेंगे दफ़ा इसको, ये 27 है। कंप्यूट मीडियन, मीडियन हमने फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये डेटा दिया हाइट है, हाइट है साफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से हमने मीडियन फाइंड करना है, हाइट है साफ फ्रीक्वेंसी है 10, 14, 15, 19। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। जब भी हमने मीडियन फाइंड करना है सबसे पहले सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने वैसे लिख देनी है फाइव है, इसमें फाइव लिख देंगे। अब इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देनी है फाइव प्लस थ्री इज इक्वल एट, फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे एट प्लस सेवन इज इक्वल फिफ्टीन, फिर इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे फिफ्टीन प्लस टू इज इक्वल टू सेवनटीन, फिर नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे सेवनटीन प्लस एट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन थर्टी फोर। फिर एफ है, इनका टोटल करें, इनका टोटल करेंगे तो वो 34 आएगा सिग्मा एफ, एफ का टोटल क्या होता है सिग्मा एफ 34। ये दोनों नंबर सेम आने चाहिए, 34, 31 दोनों सेम आने चाहिए। अब क्या फाइन करना है सी बीज क्लास पॉइंटिंग, अब क्या फाइन करेंगे सी बीज क्लास पॉइंटिंग, ये क्या डिफरेंट, ये 14 या 15 दोनों डिफरेंट है, ये 14 है ये 14 दोनों डिफरेंट है, जब डिफरेंट हो फिर आपने क्लास पॉइंटिंग फाइन करें, जब ये दोनों नंबर डिफरेंट हो गए मुख्तलिफ हो गए तब आपने क्लास पॉइंटिंग फाइन करें। तो ये 14 है, 14 प्लस 1 15, तो इनमें कितना फर्क है 1 का फर्क है, 14 में 1 प्लस किया 15 आ गया, तो 1 है, तो 1 का क्या करना है 2 से डिवाइड कर लेना है, 1 ओवर 2 कितना होता है 0.5, तो इनमें जो लेफ्ट साइड पर नंबर है इनमें से 0.5 माइनस कर लेंगे, जो राइट पर नंबर है इनमें 0.5 प्लस करेंगे, तो 10 में से 0.5 माइनस करें 10 माइनस 0.5 9.5 हो जाएगा, कितना आएगा 9.5, और 40 में 0.5 प्लस करें 14.5, अब 50 में से 0.5 माइनस करें 14.5, और 90 में 0.5 प्लस करें 90.5। अब देखें ये बराबर हो गए 40.5 40.5, अभी इसमें से 0.5 माइनस करें 19.5, इसमें 0.5 प्लस करें 24.5, इसमें 0.5 माइनस करें 24.5, इसमें प्लस करें 29.5, इसमें 0.5 माइनस करें 29.5, इसमें प्लस करें 34.5, इसमें माइनस करें 34.5, इसमें प्लस करें 39.5। ये हमने क्लास मॉडल्स फाइंड कर लिए हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है एन नंबर टू, अब क्या फाइंड करना है एन नंबर टू, एन किसके इक्वल होता है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ ओवर टू, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 34 है, 34 ओवर टू इज इक्वल टू 17। तो ये इसका हमने काम में देखना है सी एफ में, इसका हमने काम में देखना
सी एफ है, 70 का नंबर, ये सी एफ है, तो ये अब 5 है, ये 8 है, ये 15 है, ये 17 है, तो 7 इसे में शामिल होगा ना, ये 7 है, ये 17 है, जो एन नंबर 2 की वजह से हमने सी एफ के देखना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें, 17 है, ये 17 आ रहा है, 5, 8, 15, ये 17 है, इसमें होगा, इसका बाद क्या करेंगे, मार्क्स बना लेंगे, ये 17, इसके बाद हमने क्या किया, ये वाली मीडियम क्लास है, ये क्या मीडियम क्लास, इसे हम क्या दिया मीडियम क्लास, ठीक हो गए। अब हमने क्या लिखना है, दिया फॉर एल, एल क्या होती है लोअर क्लास बाउंड्री और मीडियम क्लास, एल है लोअर क्लास बाउंड्री, ये मीडियम क्लास है, इसके ये लोअर क्लास बाउंड्री 24.5, एच क्या होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वो यहाँ से देखें 10, 15, 20, इनमें कितना फ़र्क है, 10 से 15 में 5 का, 15, 20 में 5, हिसाब में 5 का फ़र्क है, हिसाब में 5 का फ़र्क है, तो एच रिकॉर्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। फिर एफ, एफ क्या चीज़ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, एफ क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मीडियम क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, ये मीडियम क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, एफ फिजिकल में 2। ये सी, सी क्या चीज़ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ये वाली नहीं लेनी बल्कि इसके ऊपर जो नंबर है वो लेना, जो सी एफ है सी के लिए हमने ये नहीं लेनी बल्कि इसके जो ऊपर वाला नंबर है वो लेना 15, सी फिजिकल 15। अब हमने क्या करना फार्मूला लिख लेना मीडियम का, मीडियम फिजिकल ग्रुप डाटा के लिए एल प्लस एच वन एफ एन नंबर 2 माइनस सी, ये फार्मूला मीडियम का ग्रुप डाटा के लिए, एल की वैल्यू कितनी है 24.5, एच की वैल्यू 5 है, एच की वैल्यू 2 है, एन नंबर 2 की वैल्यू 17 है, सी की वैल्यू 15 है, 24.5 प्लस 5/2 70 माइनस 15 2 से कट गया, 24.5 प्लस 5 तो 24.5 प्लस 5 निकालो 29.5 आपका आंसर आ गया। उसके बाद एक 20 है क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की स्टेटमेंट है बुक में देखें, फाइंड मीडियन, इसमें मीडियन फाइंड करना फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास ही है, क्लास है साथ फ्रीक्वेंसी है, क्लास और फ्रीक्वेंसी है, इसमें भी हमने मीडियम फाइंड करना, मीडियम फाइंड करना फ्रॉम दिस डेटा, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी हम ऐसे लिख रहे हैं हमने 3, अब इसमें नेक्स्ट है 3 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे 3 + 5 इज इक्वल, फिर 8 में प्लस 8 + 8 इज इक्वल 16, फिर नेक्स्ट 16 + 4 इज इक्वल 20, इसमें नेक्स्ट 20 + 5 = 25। अब सी में बनाए क्लास बाउंड्रीज, ये देखें पहले बनाइए 40 में 40 है, दोनों इक्वल हैं, ये दोनों सेम है, ये 50 50 सेम है, जब दोनों सेम है क्यों ये क्लास बाउंड्रीज, तो ये आपकी क्लास बाउंड्रीज है, ये आपकी क्लास बाउंड्रीज है, ठीक है, तो बनाने की जरूरत नहीं है हमें, सिग्मा एफ इसका एफ एफ है, इसका टोटल करें 25 आ जाएगा, सिग्मा एफ इसका 20, ये दोनों मेरा बाप बना है, ये भी 25 ये भी 25। अब क्या करना है एन नंबर 2, अब क्या करना है एन नंबर 2 इज इक्वल सिग्मा एफ ओवर 2, सिग्मा एफ 25 है, 25/2 डिवाइड करें 12.5 आ जाएगा, ठीक है, अब 12.5 का हमने कहाँ पर देखना है सी एफ में, 12.5 का कहाँ पर देखना है सी एफ में, यह सी एफ है, यह 3 है, ये 8 है, यह 16 है, तो 12.5 इसमें शामिल होगा, ये 3 है, ये 8 है, ये 12.5 है, 12.5 इसमें शामिल होगा, इसके क्या करेंगे यहाँ पर हम बास बना लेंगे, ये आपकी क्या है मीडियम क्लास, ये आपकी मीडियम क्लास है। अब क्या लिखें देयर फोर एल इज इक्वल लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है 50, एल इज इक्वल 50, एच एच क्या होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, इसमें देखेंगे 30, 40, 50 में कितना फ़र्क है 10 का, 40, 50 में 10 का फर्क है, सभी में 10 का फर्क है, तो एच निकल के आ गया 10, फिर एफ
आपके यहाँ फ्रीक्वेंसी एफ है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है एट, एफ है देखा एट, सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये इसके ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर कितनी है एट, इसके ऊपर एट है। फार्मूला मीडिया का फार्मूला, मीडिया निकल एल प्लस एच ओवर एफ एन नंबर टू माइनस, ये फार्मूला किसके लिए ग्रुप डाटा के लिए। एच की वैल्यू 50 है, 50 एच की वैल्यू 10 है, एफ की वैल्यू 8 है, एन नंबर टू की वैल्यू 12.5 है, माइनस सी की वैल्यू 8 है। माइनस पॉइंट कर लें, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 50 प्लस 10 नंबर 8 12.5 में से 8 माइनस करें 4.5 आ जाएगा, 50 प्लस 10 को 4.5 से मल्टीप्लाई करें और 8 के साथ डिवाइड कर दें 5.625 आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दें 55.625 आपका आंसर आ गया। ये 28 था, ये 29 कर दें, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ऐसे करना है, मीडियन फाइंड करना फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, मीडियन फाइंड करना फ्रॉम ये क्लास लिमिट्स है, क्या है क्लास लिमिट्स, सी क्लास लिमिट्स साथ में फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से मीडियन फाइंड करना है। तो साथ से क्या करेंगे, सी एफ फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वैसे लिख लेनी है ये वाली 5, फिर हमें क्या फाइंड करना है, ये 5 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, 5 प्लस 18 इज इक्वल 23, इसमें 23 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, 23 प्लस 42 इज इक्वल 65, इसमें नेक्स्ट 27 ऐड करेंगे, 65 प्लस 27 इज इक्वल 92, 92 प्लस 8 इज इक्वल 100, सबका टोटल क्या है फ्रीक्वेंसी का, सबका टोटल क्या हो जाएगा सिग्मा एफ, ये भी 100 आएगा, ये दोनों बराबर आएंगे 100, ये भी 100, दोनों हमेशा बराबर आने चाहिए, अगर बराबर नहीं आ रहे फिर इसका वाला आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत है, आप चेक करें उसको। अब हमने देखिए क्रॉस बॉडी फाइंड करनी है, क्रॉस बॉडी अब ये दोनों बराबर हैं, ये भी 62, ये भी 62, ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, यही क्रॉस बॉडी है, क्रॉस बॉडी कब बनाते हैं ये भी डिफरेंट हो, क्लास मोडी हमने तब बना लिया, ये दोनों नंबर डिफरेंट है, ये दोनों नंबर सेम है इसलिए यही आपकी क्लास मोडीज होंगी, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एन नंबर टू, एन क्या होता है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ वैल्यू 100 है इज इक्वल 50, तो 50 का हमने क्या हमें देखना है सी एफ में, 50 का हमें क्या देखना है सी एफ में, ये सी एफ है 5 23 65, तो 50 यहाँ पर होगा, ये 50 है 50, ये वाला 50 है, तो 50 किस में शामिल होगा, इस पर शामिल होगा, ये 5 है, ये 23 है, तो जो 50 है वो इसमें शामिल होगा, तो इसके आप क्या करेंगे यहाँ पर हम बास बना लेंगे, दिस इज द मीडियन क्लास, दिस इज द मीडियन क्लास। अब हमें क्या लिखना एल, देयरफॉर एल इज इक्वल, एल क्या चीज़ है लोअर क्रॉस बाउंड्री, लोअर क्रॉस बाउंड्री कितनी है 64, एच एच क्या होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, अब देखें 60 और 62 इनमें कितना फ़र्क है, दो का फर्क है, इनमें दो का फर्क है, सब में दो का डिफरेंस है, 60 62 प्लस 64 एच लिखकर कितना आएगा 2 हो जाएगा। एफ क्या चीज़ है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है ये 42 ये सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये हमने ऊपर वाली हमने इससे ऊपर जब सी एफ है वो वाले 23, ये नहीं लिखना है इसके ऊपर है उसमें लिखना है 23 का 23। अच्छा यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं, मीडियन इक्वल एल प्लस एच वन एफ एन नंबर टू माइनस सी, ये हमने फार्मूला लिख लिया, उसमें वैल्यू स्पोर्ट कर देने एल की वैल्यू 64 है प्लस एच की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 42 है, एन नंबर 250 है, सी का वैल्यू 23 है, तो 64 प्लस 2 और 42
50 में से 23 माइनस कर दें 27 आ जाएगा 27। तो 64 तो 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 40 इंटू ये 1.29 आ जाएगा। इसमें प्लस कर दें 65.29 ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 30 है क्वेश्चन नंबर 30। 30 में भी हमने इसे मीडियम फाइंड करना है। फाइंड मीडियम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, जिसमें वेट दिया और साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। सी एफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वैसे लिखना नहीं है, 3 एज इट इज। इसमें 3 में 5 प्लस कर लेंगे, 8 में 9 प्लस कर लेंगे, 70 में 12 प्लस कर लेंगे, 29 में 5 प्लस करना है, 34 में 4 प्लस करना है, 38 में 2 प्लस करना है, 40। तो एफ एफ का टोटल करें, सिग्मा एफ का टोटल क्या होता है, सिग्मा एफ इनकी जो टोटल, ये भी 40 आएगा। ये दोनों ब्राह्मण नंबर सेम आएंगे। अब क्या करना है, क्लास बॉडी बनानी है, सी मीन्स। अब सी मीन्स मैंने क्लास बॉडी, ये देखिए ये 126 है, ये 127 है, ये दोनों डिफरेंट है। ये 126 है, ये 127 डिफरेंट है। इनमें कितना फर्क है, 1 का डिफरेंस है, 126 प्लस 127। तो 1 को 2 से डिवाइड करें, 0.5 आ जाएगा। इसमें से 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 प्लस कर दें। तो 180 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117.5। इसमें 0.5 प्लस करें तो 126.5। इसमें 0.5 माइनस करें 126.5। इसमें प्लस करें 135.5। इसमें 0.5 माइनस करें तो 135.5। इसमें प्लस करें 144.5। इसमें 0.5 माइनस करें 144.5। इसमें प्लस करें 153.5। इसमें 0.5 माइनस किया 153.5। इसमें प्लस किया 162.5। इसमें माइनस करें 162.5। इसमें प्लस करें 171.5। इसमें माइनस करें 171.5। इसमें प्लस करने से 180.5। ये हमने क्लास बॉडी बना ली है। आप क्या फाइंड करना है, एन ओवर टू। एन ओवर टू सिग्मा एफ ओवर टू, एन के किसके इक्वल होता है, सिग्मा एफ के इक्वल होता है। अब सिग्मा एफ वैल्यू कितनी है, 40 है। 40 ओवर टू इज इक्वल टू 20। और 20 का हमने कहाँ में देखना, सी एफ है। 20 का हमने कहाँ देखना, सी एफ में। यह सी एफ है, ये 3 है, ये 8 है, ये 17 है, 20 इसमें शामिल होगा। 20 इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है, यहाँ पर 17 है, 17 के बाद 18, 19, 20, 20 इसमें शामिल होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बास लगा लेना है, ठीक है। अब एल देयर फोर, एल क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है, 144.5। ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये मीडियम क्लास, ये क्या मीडियम क्लास है, ठीक है। एच क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, 118 127। 118 में और 127 में कितना फर्क है, 9 का फर्क है। 180 में 9 प्लस करें 127, फिर 127 और 36 में 9 का डिफरेंस है। बस सब में 9 प्लस करते जाते हैं, इन सब में 9 का फर्क है। एच देखकर क्या आएगा, 9। एफ एक अगर एफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। ये फ्रीक्वेंसी 12। सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमने ऊपर वाली देखनी है, जो सी एफ हमने ये नहीं लेनी बल्कि से ऊपर है, इसको लेना 17 है। सी एज इक्वल 17। अब फार्मूला लिखे मैनेज पॉइंट कर देनी है। तो मीडियम इज इक्वल एल प्लस एच ओवर एफ, एन नंबर टू माइनस सी। एल की वैल्यू कितनी है, 144.5। एच की वैल्यू 9 है, एफ की वैल्यू 27 है, सॉरी 12 है। एन नंबर टू की वैल्यू 20 है, माइनस सी की वैल्यू 17 है। 144.5 प्लस 9 ओवर 12, 20 माइनस 17 कितना हो गया, 3।
एन एक 144.5 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 12 के साथ डिवाइड करें 2.25, इधर को प्लस कर दें 146.75 आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 30 था। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, बाकी जो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करने गए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।